नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि दिवस 2023 पर कार्यक्रम का आयोजन राजभवन के गांधी सभागार में किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम में शामिल हुई। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कासगंज के थाना सुनगढ़ी के अंतर्गत आने वाला गांव सुनगढ़ी में बीती रात एक झोपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें पूरा परिवार गहरी नींद में सोया था। झोपड़ी में लेटे हुए दंपति रामवीर बेटे गंगा सहाय उम्र 25 वर्ष और उनकी पत्नी सीमा और एक वर्ष के दो मासूम जुड़वा भाई अंकित और हर्षित आग में बुरी तरह से झुलस गए। बमुश्किल गाँव वालों ने झोपड़ी से घायलों को निकाला और उन्हें अपने निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए उच्च चिकित्सालय के लिए चारों को कासगंज के लिए रेफर कर दिया गया। राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहार को देखते हुए लखनऊ प्रशासन पुलिस की तरफ से सभी भीड़भाड़ इलाकों में रूट मार्च निकाला गया है और किसी भी सार्वजनिक जगह पर होलिका दहन या भीड़भाड़ इलाके में यातायात बाधित ना हो, इसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही लखनऊ पुलिस ज्वाइन सीपी पीयूष मोबरिया ने 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शराब लेने और देने पर रोक लगाई है। वहीं होटल और बार में सख्त रूप से निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ लखनऊ नगर निगम को भी सफाई व्यवस्था को लेकर नगर आयुक्त ने सख्त निर्देश दिए। इसके साथ साथ सभी जोनल के अधिकारियों के नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं। किसी प्रकार से आम जनमानस को कोई समस्या ना हो पाए, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अलीगढ़ में होली पर मोदी के मुखौटों की मांग बढ़ने से दुकानदारों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं होली पर बाजार में इन दिनों रंग गुलाल के साथ साथ तरह तरह के मुखौटे बाजार में उपलब्ध हैं, जिनकी लोग खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मोदी के मुखौटों की मांग डिमांड बहुत ज्यादा है। होली का सामान बेचने वाले दुकानदार सरदार कमलजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बाजार में मोदी जी का क्रेज बरकरार है। इस बार बाजार में मोदी जी के तरह तरह के मुखौटे आए हुए हैं, जिसे लोग खरीद रहे हैं और खुश भी नजर आ रहे हैं। जनपद श्रावस्ती में दुर्घटना में एक नव युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है। श्रावस्ती में लगातार एक हफ्ते के अंदर दर्जनों लोगों की सड़क हादसों में मौत हो चुकी है। वहीं फिर से एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर लकड़ियां लदी हुई थी और ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी, जिसकी चपेट में आने से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया, जहां एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया है। दूसरे की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल बहराइच रेफर किया गया। क्या हुआ है आपके ड्राइवर की मौत हुई है, क्या मामला हुआ है? जेसीबी के ड्राइवर की हमारे साहब मौत हो चुकी है और जो ट्रैक्टर वाला ड्राइवर हमारा था वो भी मरने के कगार पर है, बहराइच गया है। क्या हुआ है, कैसे चोट लगा? यहाँ शायद फुटेना चौराहे पर एक्सीडेंट हुआ है, एक ट्रैक्टर पर लकड़ी लदी हुई ट्राली थी वो यहाँ थाने में आई है, इस समय खड़ी है और ड्राइवर भी अंदर है थाने के। ड्राइवर को पकड़ लिया गया? हाँ, ड्राइवर थाने के अंदर है। ड्राइवर से मुलाकात की है? हाँ, देख कर आए हैं। सपा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने प्रयागराज घटना में असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं ये कहते हुए नजर आए। अतीक अहमद के पढ़ने वाले दो लड़कों को तो पहले ही पकड़ लिया गया, उसमें से एक की हत्या हो गई, आप देख लेना। वहीं इस दौरान उन्होंने सरकार को भी जमकर घेरा और कहा कि किसान विरोधी डबल इंजन की सरकार है, आलू के साथ साथ गेहूं की फसल पर भी यही हाल होने वाला है। जब सरकारें और खास तौर से इसके लिए तो ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, जब दोनों इंजन किसान विरोधी हों तो किसानों के हित का कोई काम नहीं हो सकता है। अभी तो आलू की फसल है, कुछ दिनों बाद गेहूं और रबी की जितने भी और फसलें होंगी वो आने वाली हैं,
उनमें भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि अब दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए लोगों को ये मालूम पड़ गया है कि किसान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए ये बर्बाद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, गेहूँ और अन्य आलू पैदा न करें तो ये विदेश से मंगा लें, इन्हें विदेश से मंगाने में और लाभ होता है, कमीशन भाव भी मिल जाता है, इसलिए इनका कोई इंटरेस्ट खेती में रहा ही नहीं। अच्छा, ये पार्टी ऐसी है जिसके जो कभी किसानों की पार्टी नहीं रही, दुर्भाग्य से सत्ता में है। बलरामपुर में 25 लाख रुपए के 100 से ज्यादा स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं, जिसमें चुनौती, चोरी और गिरानी की वजह से मोबाइल स्वामियों ने शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं एसओजी सर्विलांस टीम ने विभिन्न स्थानों से 151 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। इसमें जो मोबाइल फोन्स मिले हैं वो हमारे जनपद के लोगों के तो है ही, अभी पब्लिक से बात किया गया है तो लोग बता रहे हैं कि इसमें कुछ श्रावस्ती के भी हैं, कुछ गोंडा के भी हैं, तो निश्चित रूप से ये अगल बगल के जो दो तीन जनपद हैं वहाँ के लोगों का मोबाइल फ़ोन जो खोया था उनको वापस किया जा रहा है। और इस गुड वर्क के लिए, बढ़िया काम के लिए जो टीम है इसके लिए 25,000 इनाम की घोषणा की जाती है, जो इनको कैश प्राइज के रूप में दिया जाएगा। जालौन में अपहरण और हत्या के मामले में वांछित चल रहे आरोपी से डकौर पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान अमन खान घायल हो गया है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पूरा मामला डकौर कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास का बताया जा रहा है। अमेठी में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी ने सराहनीय कार्य किया है। दरअसल राजेश अग्रहरी ने 5 आश्रित बीमार लोगों के इलाज के लिए सहयोग राशि दी है। दरअसल बीमार 5 लोगों को 1,00,000 रुपए की सहयोग राशि दी गई है, जिसकी उन्हें दरकार थी। स्पर्धा वाले हैं वो भी आगे आए, 5-5 लोग, 10-10 लोग सब करें, तो मैं समझता हूँ सरकार को इसके लिए धन, विकास मद का धन खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। समाज इतना धनवान है कि अगर समाज के लोग चाहें कि हम दूध और रबड़ी खा रहे हैं, हमारा पड़ोसी भूखा न सोए, तो एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। बहराइच में जल निगम ऑफिस में भीषण आग लग गई। इस दौरान मौके पर सीजीएम पहुंचे, साथ ही दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो बहराइच का यह पूरा मामला, जहां पर जल निगम ऑफिस में भीषण आग लग गई, इस दौरान मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची है, बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर खून की होली खेलने वालों को काशी की मुस्लिम महिलाओं ने सुभाष भवन में गुलालों और फूलों की होली खेलकर मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया को भेजा है। यूं ही नहीं, काशी की होली प्रसिद्ध है, यहां बाबा विश्वनाथ भस्म से होली खेलते हैं तो मुस्लिम महिलाएं गुलाल उड़ाकर हिंदू महिलाओं के चेहरे को रंग देती हैं। गुलाल हवा में जब उड़ता है तो सबके चेहरे रंगीन हो जाते हैं और सबके दिल मिल जाते हैं। विशाल भारत संस्थान और मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में मुस्लिम महिलाओं के गुलालों वाली होली कार्यक्रम लम्ही के सुभाष भवन में आयोजित किया गया, जिसमें ढोल की थाप पर सब थिरकते नजर आए। हरदोई की मल्लावा पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करते हुए 2 बाल अपराधियों को संरक्षण में लिया है। इसके पास से चोरी के करीब 58 फोन मिले हैं और 7 फोन रिपेयरिंग वाले और 1 तमंचा कारतूस भी बरामद किया गया। पुलिस सभी के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि 2 मार्च को मल्लावा में अभिषेक ने एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया कि नया गांव स्थित उनकी मोबाइल की दुकान से अज्ञात चोरों ने मोबाइल चोरी कर लिए। इसकी FIR दर्ज कर पुलिस ने 2 टीमों को खुलासे के लिए लगाया था। बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी को लॉजिस्टिक सपोर्ट और अन्य सहयोग देने वाले रफीक उस्मद और इख्तार अहमद के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। साथ ही दोनों के घर से लाइसेंसी डबल बैरल गन और सीमा से अधिक कारतूस बरामद होने के संबंध में जांच की गई। साथ ही रफीक उस्मद के घर से 7,00,000 रुपए कैश भी बरामद किए गए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।